हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 45G फ़ोन है, तो मोटो एज 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस है, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं अपने मोटो एज 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह सेटिंग्स को, रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आप देखते हैं कि फ़ोन की सेटिंग्स है, शोर है, तो आपको जाना होगा इसमें से डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाएंगे तो आपके पास ये होम स्क्रीन रोटेशंस का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इसको ऑन करोगे तो इसके ज़रिए आप होम स्क्रीन वाले जो भी हमारी फ़ोन की स्क्रीन है उसको रोटेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जब आप ऑफ़ कर दोगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करके फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आप सर्च करते हैं सेटिंग्स पे ऑटो रोटेट, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन पे भी जा सकते हैं आप सर्च करके सेटिंग्स पे, और इसके ज़रिए यहाँ से आप स्क्रीन को ऑन करके फ़ोन के होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। और ऑफ़ कर देंगे तो जो आपकी फ़ोन की होम स्क्रीन वगैरह रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया, जो हमारी स्क्रीन वगैरह है रोटेट नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन वगैरह को रोटेट कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे, सॉरी मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।